डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास की है और इस दौरान उनकी पत्नी मेघना और छोटे भाई दिग्विजय चौटाला भी उनके साथ रहे। पंजाब में दुष्यंत चौटाला से SYL के मुद्दे पर भी सवाल किया गया डिप्टी सीएम ने, जिसका जवाब बड़े ही बेबाकी से दिया। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला ने, आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाते हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपनी पत्नी मेघना और छोटे भाई दिग्विजय चौटाला के साथ अमृतसर पहुंचकर स्वर्ण मंदिर में माथा टेका और अरदास की। सभी ने देश में शांति, सद्भावना और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। दुष्यंत ने गुरुद्वारा साहिब परिसर में कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ काफी समय से आने की सोच रहे थे। हमेशा गुरु के घर के अंदर जब भी मौका मिला हम सब आए हैं और एक ही आस्था के साथ कि देश की प्रगति हो, लोगों के घर में खुशियां आए और कहीं ना कहीं जो आज आपसी तनाव बढ़ता जा रहा है उसमें लोगों को समृद्धि देकर परिवारों में खुशहाली लाने का काम। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने SYL और पाकिस्तान जाने वाले पानी पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। SYL के मुद्दे पर डिप्टी सीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही हरियाणा के हक में फैसला सुना चुकी है, अब उसे लागू करने का समय आ चुका है। देखो, सुप्रीम कोर्ट सबसे उच्च कोर्ट है और मैं मानता हूं कि निर्णय जो उनने 2 साल पहले किया था आज कहीं ना कहीं उसको इम्प्लीमेंटेशन की ओर ले जाने का समय आ चुका। आज जो पाकिस्तान में पानी जा रहा है कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी जब सड़कों को बना सकती है, एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकती है, तो क्यों नहीं हम रिसोर्सेज अपने जोड़कर वो जो एक खपत की जरूरत है जिसका हमें हर साल पाकिस्तान को लॉसेस की भरपाई करने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसको हम अपने प्रदेश में, देश के अलग अलग प्रदेशों में डाइवर्ट करें जिससे अपने इलाके के अंदर भी एग्रीकल्चर समृद्ध हो, किसान को पानी की पर्याप्त मात्रा। कोई ऐसे मतभेद नहीं, सरकार के अंदर इफेक्टिवली कार्य हुआ है इसलिए इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई। मैं ये मानता हूं कि हमने इस गवर्नमेंट के अंदर अगर देश के अंदर सबसे स्ट्रिंजेंट एक्साइज लॉ बनाया है तो हरियाणा प्रदेश ने बनाया है और अब और प्रदेश भी उसको रेप्लिकेट करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी यानी दुष्यंत चौटाला की दादी की मंगलवार को पहली पुण्यतिथि थी। मंगलवार को चंडीगढ़ में अपने आवास पर हवन करने के बाद दुष्यंत चौटाला परिवार के साथ श्री हरमंदिर साहिब माथा टेकने पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और इस वक्त हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन बिजली का पूरा उपयोग करने के बाद भी उपभोक्ता बिल भरना पसंद नहीं करते हैं, जिससे बिजली निगम पर काम का बोझ भी दोगुना हो जाता है और कार्यक्षमता पर इसका बड़ा असर भी देखने को मिलता है। ऐसा ही हुआ है भिवानी जिले में, जहां पर बिजली उपभोक्ताओं पर बकाया बिल की मियाद 4 अरब रुपए के पार हो चुकी है और बिल की वसूली में बिजली निगम के पसीने छूट रहे हैं। भिवानी में उपभोक्ताओं पर बिजली निगम का बकाया बिल 4.5 अरब रुपए से पार हो गए हैं। निगम के जो कर्मचारी दिन रात बिजली सप्लाई जारी रखते हैं, उन्हें अब उसी बिजली के बिल को भरवाने में पसीने छूटने लगे हैं। हैरानी की बात यह है कि बिल ना भरने वालों में सरकारी विभाग और संस्थान भी पीछे नहीं है। हालांकि निगम के अधिकारी बार बार कहते हैं कि बिजली चाहिए तो बिल भरना ही होगा, बावजूद इसके हालात ज्यों के त्यों हैं। जिले के अंदर अगर मैं भिवानी डिवीज़न की बात करूँ, जिले की, तो क्योंकि नॉर्थ अथोराइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैं बात करूँ, तो मैं अपने डिवीज़न में बात करूँ तो 135 करोड़ रुपए अलग अलग हेड में अलग अलग कैटेगरी के अंदर बकाया पड़ा है। 135 करोड़ की फर्दर बाइफरकेशन अगर देखूँ तो डोमेस्टिक कैटेगरी अकेला, जो डोमेस्टिक कैटेगरी चाहे अर्बन का है या रूरल का है, तो दोनों में 115 करोड़ रुपए की अमाउंट पेंडिंग पड़ी और ये कनेक्टेड की ओनली कनेक्टेड जो अभी चल रहा है।
और जो NDS कैटेगरी नॉन डोमेस्टिक कैटेगरी 13 करोड़ अमाउंट है जो पेंडिंग पड़ी है। जो मेजर अमाउंट हमारी इरीगेशन और पब्लिक हेल्थ 17 करोड़ इरीगेशन डिपार्टमेंट पर और पब्लिक हेल्थ पर 15 करोड़। इरीगेशन में वो अमाउंट भी है जो पीछे फ्लड कनेक्शन के लिए हमने जारी किए थे उसके अगेंस्ट पेंडिंग। भिवानी जिले की बात करें तो यहाँ 2 डिवीजन है, एक सिटी डिवीजन और एक सब अर्बन डिवीजन। यहाँ सिटी में उपभोक्ताओं पर 326 करोड़ रुपए और सब अर्बन डिवीजन में उपभोक्ताओं की तरफ 131 करोड़ रुपए का बिल बकाया है, यानी जिले में 457 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। इनमें करीब 57 करोड़ सरकारी विभागों पर बकाया है, जिनमें सबसे ज्यादा सिंचाई विभाग और जन स्वास्थ्य विभाग की तरफ बकाया है। सब डिवीजन वाइज अलग से टीम बनाई हुई है जो कंटिन्यूस प्रोसेस में लगी रहती है, फिर कंज्यूमरों के घर जाके और उनको बता के वही आप अपना अमाउंट जमा करवाइए ताकि हम टाइम पे आपको बिजली दे पाएँ। और कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, तो जो अगर पे नहीं करता है तो। और चोरी भी इस मामले में कहूँ पकड़ी जा रही है लगातार, जो कनेक्टेड कंज्यूमर हैं चाहे डिसकनेक्टेड हैं। तो लास्ट मंथ अगर मैं बात करूं तो मेरी डिवीजन के अंदर ही 271 चोरियां हमने 73 लाख की पकड़ी हैं और इसमें से करीब करीब 25 लाख अमाउंट हमने रिकवर भी किया है सिर्फ अकेली चोरी के अगेंस्ट। बता दें कि बिजली निगम ने जुलाई महीने में बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाते हुए 271 लोगों को पकड़ा और 73 लाख रुपए जुर्माना लगाकर 25 लाख रुपए वसूल किए थे। उनके खिलाफ तो क्योंकि सरकारी डिपार्टमेंट है, हम तो उनको पर्सुएंट से हमारी जारी है और जो कनेक्टेड अमाउंट है उसके लिए एश्योरेंस मिली है कि जल्दी ही हमें पेमेंट मिल जाएगी। तो सर अगर बता नहीं, ये कम हो रहे हैं, डिफॉल्टिंग अमाउंट है, हमारी कोशिश यही रहती है कि कम हो और कम हो रहे हैं। बस कोरोना के टाइम 1-2 महीने में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ था क्योंकि हम प्रॉपरली बिल भी डिलीवर नहीं कर पाए थे और रिकवरी भी उतनी लार्ज स्केल पर नहीं हुई थी। तो लेकिन अब स्ट्रीमलाइन है, अब कंज्यूमर रेगुलरली पे कर रहे हैं, पुराना जो एरियर बचा हुआ है वो हम। बिजली सबको चाहिए और सप्लाई भी लगातार चाहिए, लेकिन ये भी एक विडंबना है कि जब बिजली के बिल भरने की बारी आती है तो लोग अपना ये कर्तव्य पूरा नहीं करते। अब भिवानी में बिजली विभाग ने लोगों से अपील की कि वो अपनी जिम्मेदारी समझें और अपना बकाया बिल भुगतान करें। भिवानी से रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, वक्त हेडलाइंस का हो गया, उसके बाद आपको दिखाएंगे 22 से 22 रिपोर्ट।